गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जब हम अपना घर बनाते हैं तो घर की मजबूती का विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं, क्योंकि बार बार हमने ये बात लोगों से सुनी है घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, इतना भी नहीं सोचा तूने कि घर जो है बार बार नहीं बनाया जाता है। इसी वजह से जब हम अपना घर बनाने जाते हैं तो बेस्ट क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि हमें घर बनाने के लिए कौन से सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, घर बनाने के लिए सबसे अच्छा सीमेंट कौन सा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर बनाने के लिए फाउंडेशन का जब हम काम करते हैं तो कौन से सीमेंट का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, प्लिंथ बीम बनाते समय हमें कौन से सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, ब्रिक वर्क करते हैं तो सबसे अच्छा सीमेंट कौन सा रहेगा, जब हम अपने घर का कॉलम बनाते हैं तो कौन सा सीमेंट का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, इसके साथ ही जब हम अपने घर की छत डालते हैं तो हमें कौन से सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। और वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताऊँगा कि कॉस्ट को ध्यान रखते हुए हमें कौन से सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप पूरी तरीके से श्योर हो जाएंगे कि आपको घर बनाने के लिए कौन से सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मार्केट में घर बनाने के लिए दो तरीके के सीमेंट आते हैं। पहला जो सीमेंट है वो है OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये सीमेंट का एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, ये सीमेंट का प्योरेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं की जाती है, इसके अंदर फ्लाई ऐश बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये सीमेंट तीन ग्रेड में अवेलेबल है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। ग्रेडिंग सिस्टम सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बताता है। इसी तरीके से 33 ग्रेड का मतलब है 33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, 43 ग्रेड का मतलब है 43 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और 53 ग्रेड का मतलब है 53 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसी तरीके से आप समझ गए होंगे कि जो सबसे कम मजबूत सीमेंट है वो 33 ग्रेड का होता है, जो 43 है वो मीडियम ग्रेड का सीमेंट है, मीडियम मजबूती का सीमेंट है, और जो सबसे ज़्यादा मजबूत है वो है 53 ग्रेड का सीमेंट। इस सीमेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बहुत जल्दी एक्वायर कर लेता है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरा सीमेंट आता है। अगर हम ऐसे देखें कि 7 दिन में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसके अंदर आती है, जो मजबूती इसके अंदर आती है, वो जो दूसरा सीमेंट आता है वो उससे ज़्यादा होती है। जो दूसरा सीमेंट है वो है PPC सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलोनो सीमेंट। इस सीमेंट में 15-35% की मिलावट की जाती है, 15-35% की फ्लाई ऐश इसके अंदर ऐड की जाती है, जिससे कि इसकी वर्केबिलिटी इम्प्रूव होती है। इसका जो सेटिंग टाइम है ये OPC सीमेंट से ज़्यादा होता है, लेकिन दोनों की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगभग एक जैसी है। इसमें कोई भी ग्रेड नहीं आता है, लेकिन अगर हम इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कंपेयर करें OPC से तो ये OPC के 53 ग्रेड की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के इक्विवेलेंट है। अब हम इस सीमेंट को मार्केट में कैसे पहचानें कि कौन सा सीमेंट OPC है और कौन सा सीमेंट PPC है। मार्केट में सीमेंट के बैग्स आते हैं, उसके ऊपर क्लियरली लिखा रहता है OPC सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और PPC सीमेंट के बैग्स के ऊपर लिखा रहता है पोर्टलैंड पोजोलोनो सीमेंट। इस तरीके से आप सीमेंट के बैग के ऊपर प्रिंटिंग से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा सीमेंट OPC है और कौन सा सीमेंट PPC है। PPC सीमेंट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ OPC सीमेंट के बराबर ही है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो सेटिंग टाइम है वो OPC सीमेंट से ज़्यादा रहती है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पोर्टलैंड पोजोलोनो सीमेंट, यदि हम इन दोनों के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो जो PPC सीमेंट है इसमें कोई भी ग्रेडिंग नहीं आती है। इसी वजह से जब हम इसके बैक को देखेंगे तो वहाँ पर पोर्टलैंड पोजोलोनो सीमेंट तो लिखा रहता है, लेकिन कोई भी ग्रेडिंग नहीं लिखी रहती है। लेकिन यदि हम इसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कंपेयर करें OPC सीमेंट से, तो जो PPC सीमेंट है उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो OPC सीमेंट के 53 ग्रेड के बराबर होती है, लेकिन जो OPC सीमेंट है उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जल्दी गेन हो जाती है
ये बहुत जल्दी से अपनी स्ट्रेंथ अक्वायर कर लेता है एज़ कम्पेयर टू पीपीसी सीमेंट। पीपीसी सीमेंट को अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अक्वायर करने में ज़्यादा समय लगता है, इसी वजह से कहा जाता है कि जो ओपीसी सीमेंट है उसका सेटिंग टाइम कम होता है और जो पीपीसी सीमेंट है उसका सेटिंग टाइम ज़्यादा रहता है। जो ओपीसी सीमेंट है उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा रहती है पीपीसी सीमेंट के कंपैरिजन में। ओपीसी सीमेंट में हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है और जो पीपीसी सीमेंट है उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा सीमेंट हमें इस्तेमाल करना चाहिए अपने घर को बनाने के लिए, तो यहाँ पर जो ओपीसी सीमेंट है वो हाईली रिकमेंड किया जाता है जहाँ पर हमें अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए होती है। जब हम अपना घर बनाते हैं तो जो फुटिंग है, जो कॉलम है, बीम है और जो घर की जो छत डालते हैं उसमें हमें स्ट्रेंथ जल्दी चाहिए होती है, इसी वजह से जो ओपीसी सीमेंट है उसको हाईली रिकमेंड किया जाता है फुटिंग के लिए, कॉलम के लिए, बीम्स के लिए और जब हम छत की ढलाई करते हैं तो वहाँ पर ओपीसी सीमेंट रिकमेंड किया जाता है। दूसरी तरफ पीपीसी सीमेंट का इस्तेमाल हम ब्रिक वर्क के लिए कर सकते हैं, फ्लोरिंग के लिए कर सकते हैं, प्लास्टर के लिए कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जल्दी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि ओपीसी सीमेंट हमें कहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और पीपीसी सीमेंट हमें कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ओपीसी सीमेंट है उसका सेटिंग टाइम कम है और जो पीपीसी सीमेंट है उसका सेटिंग टाइम ज़्यादा है, तो उस वजह से यहाँ पर जो कॉलम है, बीम है या फिर जो हम लिंटर डालते हैं, स्लैब डालते हैं, वहाँ पर हम पीपीसी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि इसकी सेटिंग में ज़्यादा समय लगता है। और यहाँ पर जैसा हम जानते हैं कि जब हम अपने घर की छत डालते हैं तो वहाँ शटरिंग की जाती है, तो शटरिंग में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा इसकी सेटिंग में। और दूसरा, हम जो कॉलम का जो फ्रेम लगाते हैं, यदि हमने पीपीसी सीमेंट लगाया तो वहाँ पर सेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से हम वहाँ पर पीपीसी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जो घर का जो पूरा लोड है वो कॉलम्स पे, बीम्स पे और प्लिंथ बीम के ऊपर रहता है, इसी वजह से ओपीसी सीमेंट रिकमेंड किया जाता है क्योंकि ओपीसी सीमेंट प्योरेस्ट फॉर्म है सीमेंट की। दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर कॉस्ट का कंपेयर करें तो जो ओपीसी सीमेंट है मार्केट में हमें कौन कौन से ओपीसी सीमेंट सबसे ज़्यादा मिलते हैं, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड, कोई सा भी सीमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको 53 ग्रेड का सीमेंट मार्केट में मिल रहा है तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करिए, लेकिन यदि 53 ग्रेड अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर हम 43 ग्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इसके कॉस्ट को कंपेयर करें पीपीसी सीमेंट के कॉस्ट से, तो वहाँ पर जो पीपीसी सीमेंट है, जैसे कि ब्रांडेड सीमेंट आते हैं जिसकी एडवर्टीजमेंट हम ज़्यादातर देखते हैं टीवी पे, और वो ज़्यादातर लोग इस सीमेंट को रिकमेंड करते हैं, जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट है या फिर एसीसी सीमेंट है, इसके जो पीपीसी सीमेंट है उसकी जो कॉस्ट है वो ओपीसी सीमेंट से ज़्यादा है। इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक बेनिफिट हमें वहाँ पर कॉस्ट पर मिलता है, क्योंकि एसीसी सीमेंट हो या फिर अल्ट्राटेक सीमेंट का पीपीसी सीमेंट हो, उसकी कॉस्ट ओपीसी सीमेंट से ज़्यादा आपको मिलती है। लेकिन यहाँ पर आपको खासतौर पर ध्यान रखना है क्योरिंग का। यदि टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा है, गर्मी का समय, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो वहाँ पर हमें ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल करते समय क्योरिंग का बहुत अच्छा ध्यान रखना है, क्योंकि यदि हमने ठीक तरीके से क्योरिंग नहीं की तो क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यदि हम घर की छत डाल रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी है तो हमें डॉक्टर फिक्सिट के LW प्लस जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि क्रैक्स डेवलप होने के गर्मियों में ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि इसका सेटिंग टाइम कम रहता है। LW प्लस के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि क्यों आपको ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ पर आप पीपीसी सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ओपीसी सीमेंट मार्केट में कम कीमतों पे मिल जाता है पीपीसी सीमेंट की कंपैरिजन में, लेकिन वहाँ पर आपको विशेष तौर पर टेम्परेचर्स और क्योरिंग का ध्यान रखना है। थैंक यू।